नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच से मैं पवन सिंह आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, चूंकि लेखपाल की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लेखपाल की परीक्षा के एक भाग हिंदी के लिए अभ्यास सत्र के एक सेशन की शुरुआत की है, जिसके तहत आज दूसरे सेशन के साथ हम सब आपके सम्मुख उपस्थित हैं। आइए आज के अपने सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, रुख का पर्यायवाची शब्द क्या है? रुख का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस पे रुख का पर्यायवाची शब्द हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए विटम। ठीक है ना, रुख का मतलब होता है पेड़। रुख का मतलब होता है पेड़, यानी आपसे ये पेड़ का पर्यायवाची पूछ रहा था, जिसका सही आंसर है विकल्प ए। यहां पे हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके बारे में हम भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए, ये हेरम्ब शब्द दिया हुआ है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कि हेरम्ब अगर पेपर में आपसे पूछ दिया जाता है कि इसका पर्यायवाची होता है, तो याद रखेंगे आप लोग कि हेरम्ब जो होता है ये गणेश का पर्यायवाची होता है, गणेश का पर्यायवाची होता है हेरम्ब। और इसी प्रकार ये एक अन्य महत्वपूर्ण विकल्प है प्रसून। प्रसून जो होता है वो फूल अथवा पुष्प का पर्यायवाची होता है। तो साथ में जो महत्वपूर्ण शब्द होंगे विकल्प में, हम उस पर भी अपनी चर्चा को करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि एक साथ ही कई शब्दों का या कई बिंदुओं को हम जान सकें। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का आंसर हो गया ए बीटा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो पहले विकल्प देख लेते हैं। ए कमलासन, तो कमलासन ब्रह्मा का देखिए पर्यायवाची होता है, क्योंकि ब्रह्मा का जो आसन है इसको जब आप देखेंगे तो बनेगा कमल धन आसन। ठीक है ना, तो ब्रह्मा का जो आसन है वो कमल है, जिस कारण से ब्रह्मा को कमलासन भी कहते हैं। बी विकल्प है चतुरानंद, सी विकल्प है चतुर्मुख और डी विकल्प है चतुर्भुज। तो देखिए, चतुरानंद मतलब चार मुख है जिसके, तो ब्रह्मा के चार मुख हैं और यही लिखा हुआ है चतुर्मुख अर्थात चार मुख। ठीक है, तो ये दोनों भी ब्रह्मा के पर्यायवाची हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा के चार मुख हैं, जिस कारण से ब्रह्मा को चतुरानन या चतुर्मुख के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची ना होकर के साथियों विष्णु का पर्यायवाची होगा, क्योंकि चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाएं हैं जिसकी चार भुजाएं हैं, वो कहलाता है चतुर्भुज। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया चतुर्भुज। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का मतलब होता है साथियों, भ्रमर का मतलब होता है भौरा। ठीक, तो अब हम लोग विकल्प देखते हैं इसके। तो इसका विकल्प है सलभ, बी विकल्प चंचरीक, सी सिली बुक
और डी मिलिंद। तो देखें बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये चारों ही विकल्प जो हैं वो भौरे अथवा भ्रमर के पर्यायवाची के रूप में हमें मिलते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसका चयन कैसे करेंगे कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर है। तो देखिए ऐसी परिस्थिति में हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है या विकल्प है जिसका प्रयोग हम अनेकार्थी के रूप में कर सकते हैं। तो देखिए शलभ, चंचरीक और मिलिंद, ये शब्द जो है ये शुद्ध रूप से भौरे के अर्थ में ही प्रयोग किए जाते हैं, यानी भौरे के पर्यायवाची शब्द के रूप में इनका प्रयोग होता है। जबकि इसका विकल्प जो सी विकल्प जो है साथियों, ये भौरे के पर्यायवाची होने के साथ साथ एक अनेकार्थी शब्द भी होता है, जिसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है बाण और दूसरा अर्थ होता है भौरा, तो चूंकि देखिए इन तीनों के विकल्प ए, बी और सी के सिर्फ एक ही आंसर, एक ही शब्द मतलब अर्थ के रूप में प्राप्त होता है, जबकि ये जो सिलिमुख शब्द है इसके एक से अधिक शब्द प्राप्त होते हैं जिसका एक अर्थ भौरा है और दूसरा अर्थ बाण है। तो यहां पर असंगत के रूप में हम लोग भौरे को ना चुन करके बाण को चुन लेंगे, तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का आंसर सिलीमुख हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सिलीमुख हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प को देखते हैं। ए पुरंदर, बी शक्र, सी मधवा, डी गरादेव। इसको आप लोग थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, ये शब्द जो है ये गरादीप होगा, ठीक है ना, गरादीप। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो विकल्प डी, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, गरादीप। क्योंकि गरादीप जो है वो इंद्र का पर्यायवाची ना होकर के गणेश का पर्यायवाची होता है, बाकी के तीनों जो हैं ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। इंद्र के पर्यायवाची जो हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो साथियों इंद्र के जो पर्यायवाची हैं वो आप याद कर लेंगे। कुछ इंद्र के प्रमुख पर्यायवाची हैं जिसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। तो इंद्र के कुछ प्रमुख पर्यायवाची इस प्रकार हैं, जैसे सुरेश, सुरेंद्र, देवेश, एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची है इसका विडौजा, सहस्त्राक्ष, सचिपति। एक और बहुत महत्वपूर्ण विबुधेश। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लें, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, जो कि इंद्र से संदर्भित हैं, ठीक है ना, जिसमें से ये विडौजा आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, विडौजा किसका पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा इंद्र का। आइए अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा, विष्णु। विकल्प देखते हैं, ए विष्णु, बी ब्रह्मा, सी महेश और डी गणेश।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी ब्रह्मा। ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची हो जाएगा। साथियों एक बात याद रखेंगे कि जो हिरण्यगर्भ है, जो हिरण्यगर्भ है, ये हिरण्यगर्भ शब्द भी एक प्रकार का अनेकार्थी शब्द है, एक प्रकार का अनेकार्थी शब्द है, ठीक है ना। हिरण्यगर्भ का एक अर्थ तो ब्रह्मा भी होता है, एक अर्थ ब्रह्मा भी होता है और इसका दूसरा अर्थ सूर्य भी होता है, सूर्य भी होता है। तो आप याद रखिएगा कि अगर हिरण्यगर्भ अगर आपको ब्रह्मा विकल्प में ना हो तो वो सूर्य का पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होगा, सूर्य के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द विशेष्य है। तो ये विशेषण और विशेष्य का क्वेश्चन है साथियों। तो विशेष्य जो शब्द होते हैं, आइए पहले उसकी चर्चा कर ले कि क्या होता है, उसके बाद हम इसको आसानी से पहचान पाएंगे। तो विशेष्य शब्द की परिभाषा जो होती है वो ये कहती है कि ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिनकी विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, वो विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। तो अब इस विकल्प में अगर हम देखेंगे तो इसका विकल्प हमें क्या मिला है, ए आसीन, बी अग्नि, सी मधुर, डी कर्मठ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, सेकंड होगा अग्नि। अग्नि जो होगा वो विशेष शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका कि विशेषण शब्द जो होगा, इसका विशेषण शब्द जो बनेगा अग्नि का वो आग्नेय बनेगा। क्या बनेगा? आग्नेय बनेगा। इसको आप लोग नोट कर लें, ये महत्वपूर्ण है कि पेपर में भी कई बार पूछा जाता है कि अग्नि का जो विशेषण होगा वो क्या होगा, तो अग्नि का विशेषण आपका आग्नेय होगा। तो इस प्रकार से इस विकल्प का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विराट का विलोम शब्द क्या है। विराट का विलोम शब्द क्या है? तो इसमें लिखा है, विकल्प में है ए वृहत, ठीक, बी वृहत, सी छोटापन और डी क्षुद्र। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा डी क्षुद्र, डी क्षुद्र। विराट का जो विलोम होता है वो क्षुद्र होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पर्श का विलोम शब्द है, स्पर्श का विलोम शब्द है। विकल्प देखते हैं ए स्पर्श, तो देखिए ये शब्द जो है ये वर्तनी की दृष्टि से ही अशुद्ध हो गया, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो गया, शब्द ही शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बी अस्पृश्य, सी अस्पृश्य और डी अस्पृश्य। तो यहां पे देखिए जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन फोर्थ डी विकल्प होगा। बाकी के तीनों शब्द जो हैं, ये तीनों शब्द वर्तनी की दृष्टि से तीनों शब्द क्या है? अशुद्ध हैं। तीनों शब्द क्या है? अशुद्ध हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन फोर्थ विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में कई बार ये पूछा गया परीक्षाओं में कि गौरव का विलोम शब्द क्या होता है, गौरव का विलोम शब्द क्या होता है। तो पहले विकल्प हम इसके देख लेते हैं, ए विकल्प है इसका लाघव, बी विकल्प लघुत्व, सी विकल्प लघुता और डी विकल्प लघुत्तम, ठीक है ना, डी विकल्प लघुत्तम। तो अगर गौरव का देखें तो इसका जो सही विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा विकल्प ए लाघव, विकल्प ए लाघव इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। बाकी तीन विकल्प जो है तो उसमें देखते हैं, तो लघुता का जो होगा, लघुता
ठीक है, तो लघुता का जो हो जाएगा वो महता हो जाएगा, महता, ठीक है ना, और लघुत्तम का जो हो जाएगा वो महत्तम हो जाएगा, लघुत्तम का जो हो जाएगा महत्तम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, लाघव। नेक्स्ट देखिए, बहिरंग का विलोम शब्द है, बहिरंग का विलोम, बहिरंग का मतलब होता है बाह्य का, ठीक है ना, बहिरंग का मतलब संबंधित हो गया बाह्य, बाहरी जगत से संबंधित, ठीक है ना। तो इसके विकल्प देखते हैं, सर्वांग, बी अंतरंग, सी चतुरंग और डी अभ्यज्ञ, अभ्यज्ञ। तो देखिए, बहिरंग का मतलब होता है जो बाह्य जगत से संबंधित हो, बाह्य से संबंधित हो, बाह्य आवरण से संबंधित हो। तो जो बाह्य से संबंधित हो उसका विलोम होगा आंतरिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, अंतरंग, अंतरंग इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्यारहवां, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है, तो चर्चा करते हैं। इसका विकल्प ए है सुप्त, बी ग्राह है, ठीक, सी मुक्त और डी प्रकट, डी डी लुप्त, डी लुप्त। तो अब हम अगर इसका सही आंसर देखेंगे तो ग्रस्त का जो विलोम शब्द होगा वो विकल्प सी मुक्त हो जाएगा, ग्रस्त का विलोम विकल्प सी मुक्त होगा, मुक्त जो है इसका सही विलोम शब्द होगा। बाकी के जो विकल्प हैं अगर हम उसकी चर्चा करें तो ये जो सुप्त है, सुप्त, सुप्त का अर्थ होता है सोना, सुप्त का अर्थ है सोना, तो इस सुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा जागृत, सुप्त का हो जाएगा जागृत। ग्राह्य, ग्राह्य, ग्राह्य शब्द का अर्थ ग्रहण करने के संदर्भ में होता है, ग्रहण करने के संदर्भ में होता है, तो इसका जो विलोम बनेगा वो बनेगा साथियों त्याज्य, क्या बनेगा त्याज्य। और लुप्त, लुप्त, लुप्त का जो विलोम बनेगा, लुप्त का मतलब होता है छिप जाना, तो उसका जो बनेगा वो बनेगा प्रकट, लुप्त का बन जाएगा प्रकट। तो इस प्रकार से इस चारों विकल्पों के जो विलोम शब्द होंगे वो निम्नलिखित होंगे, और इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा वाक्य शुद्धि से है, जो कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। तो साथियों, जब भी वाक्य शुद्धि का क्वेश्चन या प्रश्न पेपर में आए तो उन प्रश्नों को हल करते समय जो विकल्प हमारे सामने दिए हैं, अगर हम उन विकल्पों को सावधानी के साथ पढ़ते हैं तो उसमें छुपी हुई अशुद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। तो अगर ठीक से हम पढ़ेंगे तो देखें इसके विकल्पों पे, हम तो ए विकल्प जो है उसकी शंका का निवारण हो गया, शंका का निवारण हो गया। तो आप याद रखिएगा कि शंका का कभी भी निवारण नहीं होता है, शंका का कभी भी निवारण नहीं होता है। दूसरा विकल्प लिखा है उसकी शंका समाप्त हो गई, तीसरा विकल्प है उसकी शंका का समाधान हो गया, और डी विकल्प है उन्हें अब शंका नहीं रही है, उन्हें अब शंका नहीं रही है। तो देखिए, जब भी हम लोग शंका शब्द को देखते हैं, जब भी हम शंका शब्द को देखते हैं तो शंका के साथ शंका का जो होता है वो सदैव शब्द समाधान होता है, क्या होता है, किसी भी शंका का क्या होता है समाधान होता है, समाधान होता है। तो उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो इस बारहवें प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा उसकी शंका का समाधान हो गया, उसकी शंका का समाधान हो गया, ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बाकी के तीनों विकल्प जो होंगे वो अशुद्ध होंगे। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो इसके विकल्प हम लोग पहले देखते हैं। तो पहला विकल्प जो है इसका कह रहा है कि मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूं। दूसरा विकल्प है मुझे परीक्षा देनी है
अतः दिल्ली जा रहा हूं। तीसरा विकल्प है, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं। और चौथा विकल्प है, मैं वाराणसी जा रहा हूं क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। तो देखिए चारों ही बहुत बढ़िया विकल्प है। तो अब इसमें से अगर आपको संयुक्त वाक्य की पहचान करनी हो, संयुक्त वाक्य की पहचान करनी हो तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है तो देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये प्रश्न में संयुक्त वाक्य पूछ रहा है, तो संयुक्त वाक्य का रूप में इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प सी, विकल्प सी। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, संयुक्त वाक्य जो होता है ये वाक्य जो हमारा वाक्य का जो चैप्टर है उसमें वाक्यों का जो विभाजन है मुख्यतः हम दो प्रकार से देखते हैं। वाक्यों का विभाजन जो है मुख्यतः दो प्रकार से देखते हैं। एक विभाजन होता है रचना और बनावट के आधार पर, रचना और बनावट के आधार पर, और दूसरा विभाजन होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है साथियों, याद रखेंगे हम लोग कि वाक्य का जब भी विभाजन किया जाता है तो वाक्य का विभाजन दो प्रकार से होता है, रचना और बनावट के आधार पे और दूसरा अर्थ के आधार पे। तो जब रचना और बनावट के आधार पे हम देखते हैं तो रचना और बनावट के आधार पे वाक्यों का विभाजन पुनः तीन प्रकार से होता है, पुनः तीन प्रकार से होता है। उन तीन प्रकार में से एक प्रकार जो आपका होता है वो संयुक्त वाक्य होता है। एक वाक्य जो होता है आपका संयुक्त वाक्य होता है, बाकी के जो दो वाक्य होते हैं उसमें एक सरल वाक्य और दूसरा जो होता है वो मिश्रित वाक्य होता है। तो ये याद रखेंगे, प्रश्न यहां से भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि रचना और बनावट के आधार पर वाक्यों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, रचना और बनावट के आधार पर वाक्यों का। तो याद रखेंगे आप कि रचना और बनावट के आधार पर जो वाक्यों का विभाजन है वो तीन प्रकार से किया गया है, जो कि कौन कौन से होते हैं, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य। इस मिश्रित वाक्य को भी हम कहीं कहीं संकर वाक्य के रूप में भी देखते हैं, संकर वाक्य के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, तो हमारी चर्चा चूंकि संयुक्त वाक्य की है तो आइए हम लोग संयुक्त वाक्य को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो संयुक्त वाक्य की चर्चा जो है वो क्या कहती है, तो संयुक्त वाक्य ऐसा वाक्य होता है, देखिए संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिख ले, संयुक्त वाक्य ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक एक प्रधान उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य तथा एक समानपदी उपवाक्य होता है, एक समानपदी उपवाक्य होता है, समानपदी उपवाक्य होता है। अब महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि पेपर में हमारा अगर प्रश्न आता है तो हम उसकी पहचान कैसे करते हैं, प्रधान उपवाक्य और समानपदी उपवाक्य। तो ये एक विस्तृत टॉपिक है, जब मैं आपको वाक्य रचना पढ़ाऊंगा या वाक्यों के भेद पढ़ाऊंगा तो उसके अंतर्गत इस पे विस्तृत चर्चा होगी। अभी फिलहाल अगर हम प्रैक्टिस सेशन के दृष्टिकोण से हम देखें तो नोट के रूप में आप महत्वपूर्ण बिंदु नोट कर लीजिए, नोट के रूप में महत्वपूर्ण बिंदुओं को, कुछ तथ्यों को लिख लीजिए। उस तथ्य में अगर संयुक्त वाक्य की आपको पहचान करनी है तो आप देख लीजिएगा कि यदि यदि दिए गए वाक्य में, दिए गए वाक्य में या वा किंतु परंतु लेकिन लेकिन और अथवा अथवा इसलिए इसलिए आदि शब्द, आदि शब्द आए। अब ये शब्द देख लीजिए, ये शब्द आप याद कर लीजिए, ये शब्द आप याद कर लीजिए, ये शब्द आप क्या करेंगे याद कर लीजिए। अगर वाक्य में दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए इन शब्दों का प्रयोग होगा, इन शब्दों का क्या होगा प्रयोग होगा, तो ऐसा वाक्य प्रायः संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा।
अब अगर यहां पे हम विकल्प सी देखें तो यहां पर देखें, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं, और मैं गोरखपुर जा रहा हूं, तो देखिए और शब्द जो है इसका प्रयोग दो उपवाक्यों के मध्य में हुआ है, दो उपवाक्यों के मध्य में हुआ है, इस कारण से यह एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण बन जाएगा, संयुक्त वाक्य का उदाहरण बन जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प सी, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं। तो ये आशा करता हूं ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण नोट होगा, जिसके माध्यम से आप क्या परीक्षाओं में या प्रश्न को हल करते समय संयुक्त वाक्य की पहचान आसानी से कर पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब देखिए तीन शब्द इसमें, तीन जो विकल्प हैं वो हमारे अशुद्ध हैं, शुद्ध विकल्प का चयन हमें करना है। तो क्लेश शब्द की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो विकल्प सी हो जाएगी, क्लेश। क्लेश शुद्ध वर्तनी इसकी क्लेश होगी, आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो क्लेश शब्द जो शुद्ध प्रकार से है इस रूप में लिखा जाता है, इस रूप में। बाकी के तीनों विकल्प जो है वो तीनों ही विकल्प क्या वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अब ये देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो तीन इसमें फिर अशुद्ध हैं। अब देखिए होता क्या साथियों कि हम लोग जो चीज बोलते हैं वही हमारी स्मृति में अंकित हो जाती है, वही हमारी स्मृति में अंकित हो जाती है। तो अब अगर यहां पे हम देखें तो हम लोग बचपन से शब्द हिरण्यकश्यप बोलते हैं, तो उसके अनुसार अगर देखेंगे तो यहां पर तो आपको विकल्प सी दिखना चाहिए। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि हिरण्यकश्यप नहीं होता है, शुद्ध शब्द जो होता है वो हिरण्यकशिप होता है, बी। और विकल्प बी जो है वो इसका सही आंसर होगा, हिरण्यकशिप इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम लोग क्या होता है बचपन से ही उस फ्लो में, उस लय में शब्द का उच्चारण करते हैं, जिस कारण से हमारे वो मस्तिष्क में रहता है। तो याद रखिएगा शुद्ध शब्द हिरण्यकश्यप, ये शब्द जो है ये वर्तनी की दृष्टि से क्या अशुद्ध है, जबकि शुद्ध शब्द क्या होता है हिरण्यकशिपु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है फिर से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो ये प्रश्न भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका जो शुद्ध वर्तनी होगी, इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी वो हो जाएगी ए कवित्री, एक कवित्री जो होगी इसकी शुद्ध वर्तनी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। साथियों वाक्यांश का एक सेगमेंट है जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में अगर उसमें हिंदी व्याकरण पूछी जा रही है तो कहीं ना कहीं एक या दो प्रश्न वाक्यांश के पेपर में जरूर होते हैं। तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। तो साथियों देखें इसके विकल्प क्या क्या हैं, ए अनामी, बी अनिमिका, सी अनामिका और डी अनामिका। तो देखें ये तो दोनों वर्तनी के दृष्टि से ही अशुद्ध हो गए, और ये ना होकर के तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अनामिका, विकल्प डी इस प्रश्न का सही होगा। तो देख लेते हैं हम हाथ की जो हमारी हाथ में जो हमारी पांच उंगलियां होती हैं, तो उन पांच उंगलियों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो देख लेते हैं हमारी जो पांच उंगलियां होती हैं, ठीक है, तो उनको हम किस किस नामों से जानते हैं। तो मान लीजिए ये कोई हमारा हाथ है, ठीक है ना, ये हाथ के रूप में हमने ले लिया। तो अगर इस हाथ में हम चर्चा करें, क्योंकि परीक्षा में पूछी जाती है, तो ये देखिए ये जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है, हमारे हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है वो कनिष्ठिका कहलाती है। क्या कहलाती है, कनिष्ठिका कहलाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए ये उंगली जो होती है, ये उंगली, ये
पांचों उंगलियों के एकदम मध्य में होती है। देखिए, दो इसके बाई तरफ और दो इसके दाई तरफ। तो चूंकि ये बीच की उंगली होती है, इस कारण से इसे हम किस नाम से जानते हैं? मध्यमा के नाम से जानते हैं, मध्यमा के नाम से जानते हैं। मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच की, देखिए जो हमारा प्रश्न था, मध्यमा और कनिष्ठिका के मध्य की, यानी ये जो उंगली होती है, ये उंगली ही हमारी क्या कहलाती है? अनामिका कहलाती है। क्या कहलाती है? अनामिका कहलाती है। अब जो बची हमारी ये पहली उंगली जो होगी, ये इस उंगली को हम लोग तर्जनी बोलते हैं। नोट कर लेंगे, ये उंगली हमारी क्या कहलाती है? तर्जनी कहलाती है। और ये अंगूठा जो है अंगुष्ठ के नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग अंगुष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंगुष्ठ। तो इस प्रकार से ये हमारे हाथ की पांचों उंगलियां हैं, पांचों उंगलियां हैं जिसको हम इस नाम से जानते हैं। तो नोट कर लेंगे, पांचों महत्वपूर्ण है, ठीक है, पांचों महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न के आंसर के रूप में हमारा सही जो होगा वो हो जाएगा डी, विकल्प डी, अनामिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसके पेट में रस्सी रस्सी बंधी हो, रस्सी को, रस्सी का एक पर्यायवाची दाम भी होता है, रस्सी का एक पर्यायवाची दाम भी होता है, और पेट का पर्यायवाची उदर होता है। क्या होता है? उदर होता है। तो अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमारा शब्द बनेगा दामोदर। देख लीजिए, दामधन, दामधन उदर, दामधन उदर, ये यहां पे आ, आ के बाद उ, दोनों के मिलाने से बना ओ, ओ शब्द परिवर्तित होकर क्या गया? दामोदर। क्या गया? दामोदर। जिसके पेट में रस्सी बंधी है वो क्या कहलाता है? दामोदर कहलाता है। दामोदर शब्द में इसके अनुसार हमारी संधि हो जाएगी गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। और ये जो शब्द बनेगा दामोदर, यानी जिसके पेट में रस्सी बंधी है दामोदर, ये पर्यायवाची हो जाएगा कृष्ण का। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है दामोदर। तो दामोदर जो पर्यायवाची हो जाएगा साथियों, वो कृष्ण का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो विकल्प ए है मर्माहित, बी है मर्माहत, सी है मर्माहुत और डी है मर्माहुत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, मर्माहत। क्या होगा? मर्माहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, ठीक है ना? विकल्प ए है पथभ्रष्ट, बी पदावनत, सी पदानुगत, डी पदच्युत। तो देखिए, हटाने के लिए जो शब्द होता है, हटाने के लिए जो शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं वो शब्द होता है च्युत। इसको याद कर लीजिएगा, हटाना, पद से हटाने के लिए जो शब्द प्रयोग होता है च्युत शब्द का होता है। तो अगर कोई पद से हटाया जा रहा है तो उसके लिए जो सही होगा, तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी पदच्युत, डी पदच्युत इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। एक प्रश्न इसमें और पूछा जाता है, उसको भी आप नोट कर लें, उसको भी आप नोट कर लें। कई बार वाक्यांश में पूछता है जिसे जिसे पद से हटाया ना जा सके, जिसे पद से हटाया ना जा सके वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अच्युत। ये भी नोट कर लेंगे आप लोग, अच्युत, ठीक है ना? अर्थात जैसा मैंने कि लिखवाया, च्युत का मतलब होता है हटाना, च्युत का मतलब होता है हटाना। और यदि इसके पहले हमने आ उपसर्ग प्रयोग कर दिया तो आ उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं, आ उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं। अर्थात जिसे पद से नहीं हटाया जा सकता वो क्या कहलाता है? पदच्युत कहलाता है। क्या कहलाता है? पदच्युत कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, नोट कर लीजिए। स्पृहा जो होता है वो इच्छा का पर्यायवाची होता है, नोट कर लीजिएगा। स्पृहा जो होता है इच्छा का पर्यायवाची होता है। तो जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, तो विकल्प देखते हैं,
विकल्प है ए निष्प्रह, बी निष्प्रह, सी निष्प्रह और डी निष्प्रहहीन। निष्प्रहहीन तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा हमारा विकल्प बी निष्प्रह। देखिए मैंने क्या लिखा है, स्प्रह का मतलब होता है इच्छा, स्प्रह का मतलब होता है इच्छा और नी कहीं लग जाता तो उसका मतलब होता है नहीं, मतलब होता है नहीं। तो अगर जिसे किसी चीज की स्प्रह नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी तो वो कहलाएगा निष्प्रह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निष्प्रह कहलाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा बी निष्प्रह। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तत्सम तद्भव जो कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, आइए उससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, विकल्प ए मच्छी का, बी माछी, सी मच्छी और डी मच्छी का। तो देखिए आप लोगों को मैं एक तरीका बता देता हूं कि तत्सम शब्द को पहचानने का, तत्सम शब्द को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप इस शब्द का अर्थ देख लीजिए। तो आप जब इस शब्द को तोड़ेंगे तो ये शब्द दो पदों में टूट जाएगा, तत्धन सम, तत्धन सम। सम का मतलब साथियों क्या होता है, मैंने आपको शब्द रचना में पढ़ाया था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सम का मतलब होता है साथियों समान और तत् का मतलब होता है उसके, यानी हिंदी में प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द जो उसके समान हो, उसके समान हो तत्सम कहलाएंगे। अब उसके की चर्चा अगर हम करेंगे तो किससे बात करेंगे, तो देखिए उसके की चर्चा यहाँ पे ऐसे होगी कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो किससे बनी है, तो वो संस्कृत से बनी है। किससे बनी है? संस्कृत से बनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तत्सम शब्दों में जब हम चर्चा करेंगे तो उन शब्दों की करेंगे कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकल करके हिंदी भाषा में आ गए हैं, जो संस्कृत भाषा से निकल के हिंदी भाषा में आ गए हैं बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए हैं, उन शब्दों को हम तत्सम के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? तत्सम के नाम से जानेंगे। तो तत्सम साथियों ऐसे शब्द हो जाएंगे जो संस्कृत के समान होंगे या संस्कृत शब्दों के निकटता रखते होंगे, संस्कृत शब्दों से निकटता रखते होंगे। तो यदि इन विकल्पों को हम ठीक से देखें तो इन विकल्पों में हमें ये मच्छिका शब्द जो है ये संस्कृत के समान प्रतीत होता है, संस्कृत के जैसा प्रतीत होता है, तो वही विकल्प जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी मक्खी शब्द का जो तत्सम रूप होगा वो मच्छिका हो जाएगा, विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। आइए साथियों इस परीक्षा के दृष्टिकोण से जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है गद्यांश, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए गद्यांश को पहले पढ़ते हैं सावधानी से और उसके बाद उसके संबंधित प्रश्नों पे अपनी चर्चा बढ़ाएंगे आगे। देखिए गद्यांश कह रहा है वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया था। इस शक्ति ने, अब देखिए यहां से हम देखते हैं अगर शक्ति की बात कर रहा है तो यहां से देखिए एटम बम की शक्ति, यानी एटम बम का यहां पे एटम बम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्व विनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। यानी देखिए यहां पर ये महत्वपूर्ण पंक्ति हो जाएगी कि शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा से भयंकर विनाशकारी शस्त्र बनाने लगे, यानी भयंकर और सर्व विनाशकारी शस्त्र बनने का जो प्रेरणा मिल रही है वो देखिए कहां से मिल रही है, वो मिल रही है सफलता से, इस युद्धकालीन सफलता से, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं अब सेना को पराजित करना तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्र शास्त्र बनने लगे, है ना। देखिए अब यहां पे क्या हो गया कि पहले जो युद्ध होते थे
तो उसमें सेना और सेना आमने सामने होती थी, तो वो एक प्रकार से वो संपूर्ण युद्ध नहीं होता था, संपूर्ण युद्ध ना होकर के वो सेनाओं के मध्य लड़ा जाता था, और सेना के हार के बाद मतलब प्रजा पर को उस पर कोई ज़्यादा विनाश नहीं होता था, प्रजा का उसमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है वो क्या कह रहा है, ऐसे शस्त्र बनने लगे जिससे कि क्या होता है कि सेना के साथ साथ पूरे देश को क्या कर दिया जाता है, नुकसान पहुँचाया जाता है, यानी वहाँ की जनता को भी वहाँ पर क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, अधिकांश जनता यहाँ से देखते हैं, इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट हो जा सकेगी। चूंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ ना कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है, अतः दुनिया का सर्वनाश या अधिकांश नाश तो अवश्य ही हो जाएगा, इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। इस शब्द को देख लेते हैं हम लोग, पहली बार ये शब्द आया है, निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही है। और ये निशस्त्रीकरण की योजना बन क्यों रही है, क्योंकि देखिए कह रहा है दुनिया का सर्वनाश या अधिकांश नाश तो हो जाएगा, यानी यहां पर जो एटम बम था इसकी भयावहता का मतलब जाने कि इतना ज़्यादा ये खतरनाक था इसका प्रयोग, कि इसके प्रयोग से पूरी की पूरी आबादी, पूरा का पूरा देश जो है वो समाप्त होने की कगार पे आ जाता था, है ना, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से ये क्या करता था, उस देश को क्या करता था, प्रभावित कर देता था। तो इस कारण से हमारे विश्व के जो प्रमुख देश हैं उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया कि क्यों ना इन जो ऐसे भयानक अस्त्र शस्त्र हैं इनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए, इनको प्रतिबंधित किया जाए। तो उसे प्रतिबंधित करने के उद्देश्य के साथ यह निशस्त्रीकरण की योजना प्रारंभ की गई। तो देखिए निशस्त्रीकरण क्या कह रहा है कि शस्त्रास्त्रों के निर्माण में जो दिशा अपनाई गई उसी के अनुसार आज इतने उन्नत शस्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों के प्रयोग को रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। देखिए, यानी जो बन चुका है जो भयानक अस्त्र हमारे बन चुके हैं उन भयानक अस्त्रों के प्रयोग को रोकने के लिए वर्तमान में सभी प्रयासरत है। यानी ये जो निशस्त्रीकरण की योजना है इसी को किस प्रकार से इसको लागू किया जाए या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इसके लिए प्रेरित किया जाए उसके प्रयास लोगों के द्वारा खोजे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कह रहा है इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। मतलब ये जो प्रयास किए जा रहे हैं कौन से, अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं दे रहा है, लेकिन देखिए इस वाक्य के माध्यम से भी प्रयास का मतलब आखिर क्या हो गया, प्रयास का मतलब ही क्या हो गया निशस्त्रीकरण। यानी क्या कह रहा है कि निशस्त्रीकरण के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। यानी ये जो निशस्त्रीकरण अपनाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इस भय को ध्यान में रख के अपनाया जा रहा है कि यदि भविष्य में पुनः कभी अगर इनका प्रयोग हुआ तो जो विनाश होगा वो इतना भयंकर होगा कि फिर उससे उबर पाने में मतलब क्या कहते हैं दशकों गुजर जाएंगे वो जो हमारी कमी है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के नए प्रयास ठीक है विश्व के शीर्ष देशों के द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पैसेज है। अब इस पैसेज से देखते हैं हम प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों के बनाने की प्रेरणा किसने दी। अब देखिए यहां पे बात किसकी आई, प्रेरणा की आई कि जो खतरनाक
प्रकार के जो शस्त्र अस्त्र बन रहे हैं वर्तमान में, पूरी दुनिया शस्त्रों के एक होड़ में लगी हुई है, तो इसको बनाने की जो पहली प्रेरणा प्राप्त हुई वो कहाँ से प्राप्त हुई? तो उसकी प्रेरणा जो मिलेगी, तो देखिए वो कहाँ से मिलेगी, हमने यहाँ से देखा था कि ऐसे शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी, प्रेरणा दी, अब प्रेरणा दी और लोग शस्त्रास्त्र बनाने लगे, तो प्रेरणा दी किसने? तो अगर आप पीछे से देखेंगे तो यहां पे दे रहा है, पीछे से देखें, यहां से द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया। ठीक, इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने, ये देखिए, इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, यानी विश्व को, अगर हम देख लें, ये चूंकि विश्व के शीर्ष और शक्तिशाली देश हैं, तो इन्हीं के संदर्भ में अगर बात करें तो हम यहां पे विश्व का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने विश्व और सभी देशों को, देखिए आ गया, सभी देशों को ऐसे शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी। तो वो कारण जो बना वो क्या बना? शक्ति की युद्धकालीन सफलता। तो उस समय की जो शक्ति थी, उस समय की जो शक्ति थी, वो शक्ति कौन थी? वो जापान थी। साथियों, जापान उस समय की द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व में जापान एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में शामिल हुआ था। ठीक है ना, जापान एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में शामिल हुआ था। तो जापान पे जब अमेरिका ने एटम बम का प्रयोग किया तो जापान जो है वहां पे बहुत अधिक विनाश हुआ, बहुत अधिक नुकसान हुआ, जनता को जान माल हाल की आर्थिक दृष्टिकोण से बुरी तरीके से हानि हुई। आप समझ लीजिए कि 1942 के आसपास जो परमाणु हमले किए गए थे उसका प्रभाव इतना है कि जापान आज भी उसके जो हानिकारक प्रभाव है उससे उभर नहीं सका है। हालांकि जापान ने बहुत बहुत तरक्की की, परंतु अभी भी कहीं ना कहीं वो जो एटम बम का दर्द है वो उनके अंदर है, आज भी वो उससे उभर नहीं पाया है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, उस युद्धकालीन की अगर बात करते, जापान उस काल की शक्ति थी, तो जापान का विनाश जो हुआ, जापान का विनाश हुआ, उसके उसके फलस्वरूप ये आधुनिक शस्त्रास्त्र बनाने की जो विश्व को क्या है वो प्रेरणा मिली। तो इस प्रश्न का देखिए सही आंसर क्या हो गया? सी जापान हो जाएगा, सी जापान इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? प्रथम अनुभव कैसे हुआ? ठीक है ना, तो अगर इसका चर्चा करेंगे, इस प्रश्न का आंसर देखेंगे, तो इसका पहला अनुभव होगा, देखें, जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया। देखिए पहला अनुभव एटम बम की, द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही क्या किया? अजय शक्ति को, जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया, जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया। तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया गया वो कहां किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया। किसमें किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया। ठीक है ना, अब द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध में यह प्रयोग किस पे, किसके ऊपर किया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में हम देख रहे हैं प्रयोग किसके ऊपर हुआ? जापान के ऊपर हुआ। ठीक है, तो प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो जापान की, जापान पर क्या हुआ, इसका जो प्रयोग हुआ उसके फलस्वरूप, उसके फलस्वरूप उसकी पराजय हुई, उसके फलस्वरूप उसकी पराजय हुई। तो जापान की अजय शक्ति की पराजय से, जापान की अजय शक्ति की पराजय से, सॉरी इसका विकल्प हो जाएगा, जापान की अजय शक्ति की पराजय से विकल्प बी, विकल्प बी जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो एक बहुत बड़ी शक्ति थी जापान पर, उस पर इसका प्रयोग किया गया, जहां पर पहली बार इसका क्या किया गया? अनुभव किया गया, और उसके फलस्वरूप जापान क्या हुआ? पराजित हुआ। जापान जो है वो पराजित हुआ। ठीक है, अपना आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं, अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो देखिए किसी भी गद्यांश का जो महत्वपूर्ण चीज होता है वो होता है उसका शीर्षक, वो होता है उसका शीर्षक। शीर्षक की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए यहां भी शीर्षक पर चर्चा कर रहा है, शीर्षक पर चर्चा कर रहा है, तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो पहले विकल्प देखते हैं क्या क्या दिए हैं। तो इसका विकल्प दिया हुआ ए निशस्त्रीकरण, बी आधुनिक शस्त्रास्त्रों का विनाशकारी प्रभाव, सी एटम बम की शक्ति, और डी आतंक और विश्व विनाश का भय। तो देखिए चारों ही बहुत अच्छे विकल्प हैं, चारों ही बहुत अच्छे विकल्प हैं, लेकिन अगर हम देखें तो मुख्य रूप से देखें तो मुख्य रूप से हमारा पूरा जो हमारा गद्यांश है वो हम देखते हैं दो रूपों में चलता है, दो रूपों में चलता है।
पहले पहले खंड में जब हम देखते हैं, पहले खंड में हम देखते हैं कि वहाँ पे एटम बम की बात की जा रही है, एटम बम का निर्माण, एटम बम का प्रयोग और उसकी भयावहता पे चर्चा कर रहा है कि उसके परिणाम जो होते हैं वो कितने भयंकर हो सकते हैं, ठीक है ना। और उन्हीं भयंकर परिणामों को देखते हुए वर्तमान में उनके जो प्रयोग हैं उन पर रोक लगाने का, प्रतिबंध का प्रयास किया जा रहा है विश्व के द्वारा, जिसके कारण दूसरे सेगमेंट में या दूसरे खंड में यहाँ पे निशस्त्रीकरण जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखे कई बार निशस्त्रीकरण का प्रयोग हुआ था, जैसे निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही है, ठीक है ना, जो बने प्रयोग से व्यापक विनाश दिखाई पड़ता है, परीक्षणों की रोकथाम। अब देखिए रोकथाम का मतलब ही हो गया क्या, रोकथाम का हो गया निशस्त्रीकरण, रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं, रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं अर्थात निशस्त्रीकरण, और इन प्रयासों के, अब ये प्रयास का मतलब भी क्या, निशस्त्रीकरण के मूल में क्या कार्य कर रहा है, भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। तो मूल रूप से देखिए ये सेगमेंट जो है दो खंडों में विभाजित है, जहां पर एक में एटम बम का सृजन और उसके प्रयोग से जो विनाश हुए उस पर बात की गई, और पुनः वो विनाश ठीक है ना, वो घटनाएं दोबारा ना घटित हों, इस चीज को ध्यान में रखते हुए निशस्त्रीकरण की क्या प्रक्रिया को इस समय वैश्विक स्तर पर क्या प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसको अपनाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को द्वारा इसको अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखें तो ये दोनों ही विकल्प के रूप में हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसमें चयन करना पड़े तो देखिए हम उसको लेते हैं शीर्षक के रूप में, जिसके माध्यम से हमें क्या होता है, एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास होता है, ठीक है ना। तो देखें वर्तमान में क्या है कि एटम बम के प्रयोग को प्रतिबंधित किया जा रहा है और निशस्त्रीकरण की जो प्रक्रिया है उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो अगर इस संदर्भ में हम देखेंगे तो इस संदर्भ में इसका ध्यान, इसका मतलब जो शीर्षक होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए जो चीज़ों को जोड़ने के साथ साथ क्या करे, अंत की ओर भी ले जाए, मतलब एक समाधान प्रस्तुत करे। तो उस संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो इस गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक होगा साथियों वो निशस्त्रीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये गद्यांश का जो हमारे प्रश्न थे वो कंप्लीट हुए। तो साथियों इसी के साथ हम अपनी आज की चर्चा को विराम देते हैं, ठीक है। अपनी अगली क्लास में हम एक नए सत्र के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आशा करता हूँ कि आप इन गद्यांश को और पद्यांशों के प्रश्नों को याद करेंगे और आगामी आने वाली परीक्षाओं में इनसे लाभान्वित होंगे। साथियों अंत में मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जो भी सुझाव हों वो सुझाव आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके, ठीक है, वहाँ पर हमें दे सकते हैं। इसकी जो PDF फॉर्मेट होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी आज की वाणी को विराम देता हूँ। साथियों आप सभी को जय हिंद।